हेलो गाइस, तो आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूँ आपका दोस्त विपिन। एंड गाइस, आज का व्लॉग ना काफ़ी ज़्यादा एक इंफॉर्मेटिव हो सकता है, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ एक बहुत अच्छी और ब्यूटीफुल सी प्लेस में। नाम है उसका लवासा, जो कि मैंने उसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया, उसके बारे में पढ़ा लिखा, तो उसमें मेरे को पता चला है इट गिव्स एन इटालियन वाइब। अभी वहाँ पर जाके देखते हैं कि वो वाइब सही में इटालियन है भी कि नहीं, बिकॉज डेफिनेटली मेरे फ्रेंड्स रहेंगे, मेरे कॉलिग्स रहेंगे, हम लोग जाने वाले हैं सैटरडे को लवासा के लिए। सो फॉर दैट पर्पस मैं जाके वहाँ पे अभी आज प्रॉपर्टी का थोड़ा मेरे ख्याल से नेगोशिएशन भी करना है, एंड प्रॉपर्टीज भी विजिट करनी है कि पार्टीज के लिए कौन सी ज़्यादा अच्छी रहेंगी, बूजेस के लिए कौन सी ज़्यादा अच्छी रहेंगी। सो लेट्स सी, एंड आप लोग भी इंजॉय कीजिए लवासा। एंड दिस इज़ अ अनएक्सपेक्टेड ट्रिप विच आई एम विजिटिंग राइट नाउ, बट मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरे लिए तो एकदम फ्रेश ट्रिप है। पता नहीं क्या रिएक्शंस होंगे, कैसे होंगे, बट आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। अभी जा रहे हैं लवासा की ओर, एंड वी आर रेडी। थोड़ा जाते आते रास्ते में गाड़ी को पिलाएंगे थोड़ा पेट्रोल, क्योंकि वो क्या, ये है संगमवाड़ी का रूट। भाई आज तो मैं तो सोचा आज वीक डे है तो यार इतना ट्रैफिक नहीं रहेगा। ट्रैफिक बाकी दिनों से तो आज फिर भी मुझे गर्म कम लग रहा है पुणे में, नहीं तो भाई दिन के समय तो सही में हालत ख़राब होती है। एंड अभी मैं और हम दोनों जा रहे हैं, उसका आज कॉलेज का आखिरी पेपर था और मुझे जाना था लवासा, तो मैंने उसको अपने साथ ले लिया। फिर वो भी कह रहा था कि मुझे चलना करके, तो लेट्स डू इट। तो भाई अपना एग्ज़ाम दे के लवासा घूमने के लिए कॉलेज से डायरेक्ट निकला है, समझ रहे हो, घूमने की चाहत। तो अभी हम लोग जिस रूट से जा रहे हैं ये है शिवाजी नगर, शिवाजी नगर होते हुए JM रोड होते हुए फिर उसके बाद स्टॉप से आगे चले जाएंगे, क्योंकि मैं भी लवासा पहली बार जा रहा हूँ, नेवर बीन। बट यहाँ हमारे मेरे एक बकेट लिस्ट में था, काम के साथ में घूमना पसंद है, काम भी होता रहे और घूमना भी होता रहे। घूमना इज़ अ पर्सनल चॉइस, काम भी पर्सनल चॉइस है, बट वो प्रोफेशनली ग्रोथ के लिए अच्छा है, एंड ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए अच्छा है, दोनों में भी काम हो ही रहा है। अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से, ये शिवाजी नगर का ब्रिज है, इसके नीचे कॉलेज है ये वाला, ये देख पा रहे होंगे, तो यहाँ COEP कॉलेज है। इसके आगे आएगा जंगली महाराज रोड, एट इज़ कॉल्ड JM रोड। ये वाइट वाली बिल्डिंग्स, मतलब जो लोग पुणे में नए हैं उनको पता नहीं होगा, तो आप मेरा व्लॉग देख सकते हो। वो है जो ग्रे वाली बिल्डिंग दिख रही है, वो COEP का हॉस्टल है, हमारे इंडिया के फ्यूचर वहीं है। अभी थोड़ी देर में आगे इस गाड़ी को पिलाते पेट्रोल। मेरे को यार ये रोड बहुत प्यारी लगती है जो अभी आपको आगे दिखेगी, बहुत ही प्यारी लगती है। इतना मतलब पूरे पेड़ों ने ना घेर कर रखा है इस 4 लाइन रोड के। सजनम देखता मैं तेरा रास्ता, जो भी है सब मेरा, तेरे हवाले कर दिया। गाड़ी को देते थोड़ा पेट्रोल, आज तरी वातावरण ठंडा का है ना, बहुत गर्म है क्या हो, तो आम जड़ा था ना। काका इथून लवासा जासाठी हा सरट जायचा का रोड, आणि हवा चेक करा, हवा भी चेक करा। हाँ थोड़ा गाड़ी में हवा कम है गाइस पीछे वाले टायर में, क्योंकि वो पता ही चल जाता है थोड़ा सा। आओ गुरु, ये है JM रोड, इसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जंगली महाराज का मंदिर है, तो यही इसीलिए इसको JM रोड जानते हैं सब लोग। और JM रोड आप लोग देखो, एंजॉय करो थोड़ा, एंड फिर मिलता हूँ आपको लवासा से कुछ देर पहले। ये JM रोड रिकॉर्ड करने का ना ये मेरा थर्ड टाइम है यहाँ पे आया हूँ, 2 बार वो घड़ी के काम से आया था, वो तो अब तक नहीं हुआ।
जब भी दोनों बार मैं नॉइस केस में गया हूँ, पता नहीं यार बहुत ही अजीब जगह पे कोपचे में खोला हुआ है। जब भी जाओ बंद ही रहता है, और अभी मैं जा नहीं सकता क्योंकि काम से बाहर निकला हूँ, तो उसके लिए कभी और आऊँगा। अभी ये आगे का रोड एंजॉय करो यार आप लोग, बहुत प्यारा है। मुझे सही में ये रोड आने के बाद बहुत अच्छी बाइक और अच्छा महसूस होता है। ये देखो विमेन, वाह, ये पूरा JM रोड है। राइट में जाओगे FC आएगा, लेफ्ट में जाओगे नल स्टॉप आएगा। देख रहे हो हीरो को, वैसे ये शो ऑफ तो मैं भी करता हूँ, इसमें कुछ नहीं है। लोगों को लगता है यार एक्चुअली वो शो ऑफ है, वो एक्चुअली शो ऑफ भी नहीं होता है। सच बताओ ना, रिलीफ मिलती है, वो एक थोड़ा रिलीफ मिलता है पता है, खुली हवा का झोंका। यहाँ से अपन ले रहे लेफ्ट, बहुत है घाई है भाई जाना, जबकि उसको सीधा है, सीधा सिग्नल चालू रहता है, लिमिटेड टाइम वाला ये है इस साइड का। सो गाइज, अभी मैं थोड़ी देर के बाद में मिलते हैं आपको सीधा आगे लवा से कुछ देर पहले। और हम लोग अभी लवासा के लिए टर्न ले चुके हैं। सो बेसिकली गाइस, जिन लोगों को पता नहीं लवासा क्या है, लवासा एक प्राइवेटली हेल्थ प्रोजेक्ट था बाय एन इंडियन पॉलिटिशियन, उनका नाम है शरद पवार। वहाँ पे लिखा हुआ था कि वो पूरी इटालियन वाइब देता है। ऑब्वियसली मैंने बहुत कुछ सुना है उसके लिए। देखिए यार, पुणे के आसपास में ना जितनी भी लोकेशंस है, सारी मेजरली घूमने के उनके टाइमिंग्स वही है कि आप मानसून से लेके सितंबर के बीच में आओ, एक नंबर। ये पूरा ग्रीनरी हो जाए, अभी धूप भी बहुत है, ग्रीनरी तो है लेकिन धूप भी बहुत है। और मुझे घूमने में मज़ा आता है, तो मुझे मैटर नहीं करता कौन से क्लाइमेट में चला रहा हूँ मैं। यहाँ से लिया हमने राइट, तो लवासा एक्चुअल में मेरे एक बकेट लिस्ट में था कि मुझे विज़िट करना है। ये नहीं पता था कि इतना जल्दी विज़िट करूँगा। महाबलेश्वर में ना बिल्कुल नहीं पता चलता कब कैसा मौसम हो जाएगा, कभी भी कुछ भी होता है। एंड लिटरली हमको लगा है क्या है ऐसे बातें कर रहा है, जब ओले गिरे ना तब समझा कि हाँ शायद इसके बाद में दम है, ये जो बोल रहा है वो सही हो। तो यहाँ से भी आपको लेना है राइट फॉर द लवासा। भाई जिन लोगों को लवासा नहीं मालूम ना, तो प्लीज़ अपना अपने लोकेशन पे लगा के आना मैप पे, क्योंकि काफ़ी राइट लेफ्ट वाला रोड है। मुझे यार बाइक चलाने में बहुत मज़ा आता है, फोर व्हीलर से ज़्यादा पर्सनली। देखो फोर व्हीलर में मज़ा आता है, पर जब तक कोई खुली हवा लगती नहीं ना, वो तसल्ली नहीं है। जिसको प्यार है नेचर से, उसके लिए तो थोड़ा कष्ट करोगे तो ना कुछ होएंगे। यहाँ से है लेफ्ट, लवासा में एंट्री फीस भी होती है। चलो तब तक के लिए आपको मिलता हूँ थोड़ी देर से आगे। तो गाइस, लवासा जाते जाते हमको ये यहाँ से लवासा का ही रास्ता है, ये पूरा घाट है 30 किलोमीटर का। गाड़ी पक करके एक छोटा सा हॉल्ट ब्रेक लिया हमने, व्यू चेक करो यार, व्यू भी बहुत प्यारा है। ये देखिए हमारे आज नए पिलियन, लास्ट टाइम भाव थे, इस टाइम अभिषेक मिश्रा। जिन लोग को नहीं मालूम अभिषेक कौन है, जाके मेरा ऊपर देखिए आई बटन पे लोहे गांव का आ रहा होगा, तो हम दोनों ने वो ट्रैक किया था। सो गाइस, हम लोग लवासा से कुछ 7 या 8 किलोमीटर पहले आए हैं। देखो डैम है। आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करो। अभी यहाँ से लवासा पास में है, बस मैक्स टू मैक्स 15 मिनट बहुत हो गया।
मुहासा में जो लेक है वो ऋषि डैम का बैक वाटर है, सूखा दिख रहा मुझे तो। ओके बट लवासा यहाँ से दूर है थोड़ा, पानी नहीं है डैम में। अभी हमने जस्ट मिसल पाव खाया, लिटरली यार बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। रोड इतना अच्छा नहीं है गाइस, बहुत ही वाहियात सा रोड है। ये देखो हम लोग आ गए ऊपर, मतलब जैसे जैसे हम लोग ऊपर आ रहे हैं हमको लगा गर्म मारेगा, लेकिन गर्म नहीं। हवा का ब्लास्ट यहाँ पे अच्छा खासा है ना, जैसे तामनी में था। सिर्फ रोड का प्रॉब्लम है, रोड थोड़ी सी ख़राब है। बहुत नज़दीक है अपना लवासा यहाँ से। मैं भी बेताब हूँ यार देखने के लिए कि लवासा दिखता कैसा। ओके दिस इज एन एंटिंग सो ये है तो ये है यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 रुपी हैवी व्हीकल। और अंदर में भैया क्या क्या अवेलेबल मिल जाएगा? हाँ हाँ। सो गाइस हम लोग आ गए हैं लवासा, वेलकम टू लवासा। काफी ओल्ड कंस्ट्रक्शन है, वाओ। तो उन्होंने हमको बोला है कि आप यहाँ से 10 किलोमीटर नीचे जाना होगा। ओके यहाँ पे बैक वाटर में पानी है, सावधान लवासा के लिए। वाह लेक तो अच्छा खासा भरा हुआ है देखो। तो पहले मैं नीचे जाता क्योंकि ना यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है, लोगों ने इसको इटालियन वाइब दिया है। ये क्या, ये तो बंद हो गया, ये कुछ तो था शायद मॉल वॉल रहा होगा। ये है लवासा ब्रिज, देखना कितना सारा है। हाँ यार वाइब तो है, एक अलग सी वाइब है। फुल चिल वाइब है यहाँ पे तो। लवासा एक्सप्रेस वो ला, हाँ ऐसा वाइब है, एकदम वाइब अलग है गाइस। ये छोटे छोटे पेप्सी कोको कोला वगैरह सब मिल जाएगा। सुट्टा बार थोड़ी देर में होगा यहाँ पे सनसेट। सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं लवासा में,
एंड ये है लवासा का बीच। मीट अभिषेक हमारे पिछले व्लॉग से, एंड आज हमारे साथ लवासा में लोहे गांव से डायरेक्ट लवासा पेपर दे के लवासा आया गाइस। ये पेपर दिया 11:30 बजे, 10 बजे जाके 11:30 बजे वापस आया है, एंड वहाँ से हम लोग डायरेक्ट। ये चेक करो यार, व्यू चेक करो बस तुम। अब तो हेलो गाइस, आप लोगों का फिर से वेलकम है मेरे चैनल पे। सनसेट, वो जो शाम का माहौल रहता है ना, दैट गिव्स अ डिफरेंट लुक। वो लगता ही नहीं कि वो लवासा रहता है। दिन के टाइम में बहुत गर्म था ऑब्वियसली। सो फाइनली आप लोगों को अभी जानने मिलेगा कि लवासा में हमने कौन सी प्रॉपर्टी डिसाइड की है। सैटरडे को हम लोग जा रहे हैं एक पार्टी पे जो ऑफकोर्स लवासा में है। सो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, एंड आपको डायरेक्ट मिलूंगा अब मैं सैटरडे को। सो गाइज, जो लोग मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं, जिन्होंने अभी अभी मेरा व्लॉग्स देखना शुरू किया है, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो, क्योंकि ना स्टे ट्यून, प्यार बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच महाबलेश्वर और कोकरण को आपने इतना प्यार दिया। थैंक यू सो मच गाइज, गुड नाइट, चीयर्स।